तो दोस्तों मैं हूं अभी नवाब के चौराहे पे, ये गाड़गेट बाज़ार में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और आज का हमारा वही सवाल है जो आप लोगों ने पूछा था कि राहुल गांधी दो सीट से लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में मुस्लिम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मेरा ये सवाल आपसे है कि अमेठी से राहुल गांधी 15 साल से सांसद रहे हैं, तो वो केरला चले गए हैं अभी वहाँ पर, तो आपको क्या सोचते हैं इस बारे में कि वो दोनों सीट पर उनका लड़ना ठीक था या फिर कैसा रहेगा ये उनके लिए? सर, हिंदुस्तान में कहीं से भी लड़ ले, राहुल गांधी जीत जाएंगे। राहुल गांधी जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, वो कहीं से भी लड़ लें, चुनाव जीत जाएंगे। और क्या, तो विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है कि वो अमेठी में स्मृति ईरानी से डर के भागे, तो आपका क्या क्या विचार है इसके बारे में उनको? सर, मेरा विचार ये है कि कांग्रेस को जोड़ने वाला काम है, वो पूरे देश को साथ लेने वाले चलने वाला काम। मैं ऐसे कह रहा हूँ, राहुल गांधी दो सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरे हिसाब से वो दक्षिण में भी अपनी पैर जमाना चाहते हैं, और कांग्रेस की जो पेड़ है जो ख़त्म हो चुकी है उसको वापसी लेकर वो कांग्रेस को मतलब पूरे दक्षिण से लेकर के आना चाहते हैं। कांग्रेस काफ़ी पिछड़ चुकी है, तो 2014 से पहले, 2014 के बाद के दौर के अंदर बहुत पीछे चली जा चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ से लड़ना बेटर है राहुल जी के लिए, और इसमें फ़ायदा ही है, कांग्रेस का फ़ायदा है, ये पार्टी का फ़ायदा, राहुल गांधी का फ़ायदा नहीं है इसके अंदर, ये कांग्रेस का फ़ायदा है इसके अंदर। क्यों गए होंगे वहाँ? अमेठी से वो 15 साल से जीतता हुआ आया है, तो उसमें कोई राय तो दो राय तो ही नहीं, वहाँ से जीतेगा वहाँ से, तो केरल से भी अगला चांस लगा रहा है, तो वहाँ से भी जीतेगा और जरूर जीतेगा वहाँ से, दोनों सीटें जीतेंगे वो। और मोदी ने जो सीटों पे चुनाव लड़ा है, और मोदी जी ने जो सीटों पर चुनाव दावेदार है प्रधानमंत्री के, वो तो चुनाव के लिए लड़ेंगे दोनों सीटों से। तो आपको क्या लगता है कि वो दोनों सीटों से जीतेंगे? जीतेंगे, 15 साल से वहाँ जीतते आ रहे हैं, अब भी जीतेंगे। और आप क्या सोचते हैं, राजस्थान में कितनी सीटें आ रही बीजेपी को? कम से कम पहले 25 की सीटें लाई थी बीजेपी, अब 16, कम से कम 10 सीटें आएगी बस, 15-16 सीटें राजस्थान में कांग्रेस की आएगी। मेरी बात सुनो, उनके कहने से कुछ भी नहीं होगा, आएगा राजीव गांधी आएगा, समझे ना, उनके कहने से कुछ भी नहीं होगा, राहुल गांधी ही आएगा। यूँ वजह क्या है कि इन्होंने सारी उम्र कुर्बानी देते हुए रहे खानदान, और ये कुर्बानी देगा और ये सही उतरेंगे ये अभी आगे, तो और ये तो क्या मिट्टी में गई, ये तो पूरे हिंदुस्तान में आएगा ये। राहुल गांधी पिछले 15 साल से अमेठी में सांसद थे, और अभी वो केरल से जाके आज उन्होंने नामांकन भी किया, तो काफ़ी लोग विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है कि वो अमेठी में इस बार हारने वाले हैं, डर के मारे वहाँ भागे, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? वो तो फुल बहुमत के आएंगे राहुल जी, ये चौकीदार कोई मतलब का आदमी नहीं है, सबको भूखा मार दिया इन्हें, कोई वो नहीं है, चोर है, 15 लाख रुपए भी नहीं दिए, इतने घोषणा करिए उस पर ज़्यादा वो हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस बार राजस्थान के अंदर कितनी सीटें दिलवा रहे हो आप? 22 सीटें आ रही हैं कांग्रेस की। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि राहुल गांधी लगातार 3 बार से सांसद रहे हैं अमेठी से, और हमेशा 15 साल से जीतते भी आए हैं वहाँ से, लेकिन इस बार वो केरला से भी उन्होंने आज अपना नामांकन उन्होंने दे दिया, तो विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है कि वो डर के भाग गए हैं उधर से, हार के डर से भागे हैं अमेठी, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? विपक्ष का तो काम है आरोप लगाने का, असल में क्या है कि राहुल गांधी अमेठी से भी जीतेगा इंशाल्लाह, और जो केरल से जैसे इलेक्शन लड़ा है वहाँ से भी जीतेगा इंशाल्लाह, मालिक ने चाहा, और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी इंशाल्लाह। और मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि राजस्थान में कितनी सीटें जीतने वाली है? राजस्थान में पूरी 25 सीट आएगी इंशाल्लाह, मिशन जो 25 है सचिन पायलट का ये पूरा होगा। थैंक यू। तो आपको क्या लगता है वो दो सीट से क्यों लड़ रहे हैं? विपक्ष उन पर डरने का आरोप लगा रहा है, हार से डरने का। भाई उनकी मर्जी है, तो क्या पहले के जो है नेता लोग नहीं लड़े थे तो 3-3 सीटों से, अगर वो लड़ा है तो उसमें क्या हुआ? राहुल गांधी भी, वो नरेंद्र मोदी भी लड़े थे पिछले, मोदी भी लड़े हैं और भी अटल जी भी लड़े हैं, कई नेता लड़े, अगर वो वहाँ से लड़ा तो क्या हुआ? उनका तो काम ही है एक दूसरे पे आरोप लगाने के काम है इनका, उससे कोई नहीं है, जनता की उन्हें किसी को भी कुछ लेना देना नहीं जनता से, वो अपनी कुर्सी चाहिए। ठीक है चाचा, अब दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि आपके यार 26 सीटें राजस्थान लोकसभा के अंदर है, तो कांग्रेस को कितनी सीटें आने वाली है, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आने वाली? 26 सीटें हैं, 26 में से जो है 20 सीटें पक्की है कांग्रेस की। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। राहुल गांधी पिछले 15 साल से अमेठी से सांसद हैं, वो हमेशा वहाँ से जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो केरल से भी लड़ रहे हैं, और विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है कि वो अमेठी हार रहे हैं इसलिए वो केरल भागे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं?
नहीं, बीजेपी को गई, कांग्रेस ही आएगी अब कैसे तो भैया आने को, तो क्योंकि विकास कराई नहीं थी कोई, विकास होएगा जब सारे काम होंगे, विकास मिला कुछ भी नहीं है। आज शिवालय रुक जाए जी, रुक जाए, फ़ोन करते रहो 20-20 दिन, 25-25 दिन उठाते ही नहीं फ़ोन, न निगम में करो कुछ भी करो, कुछ भी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं होगा काम। राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी तो बनेगा यार 15, आपको लगता है दोनों सीटें जीतेंगे? जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है राजस्थान में 26 सीटें लोकसभा की, तो कितनी सीटें आने वाली है कांग्रेस की? अब ये तो कांग्रेस की आएगी सीटें तो 90%, 24-25। और दो सीट से इसमें लग रहे हैं कि उनको पूरी उम्मीद है और इस देश से उम्मीद है, जो माहौल जो बनता चला आ रहा है उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी जो क्या कर रहा है उसके हिसाब से वो गए हैं वहाँ पर और वही आएंगे। देश की जनता तो राहुल गांधी ही कर रही है, और देश का क्या हो रहा है आप समझ रहे हो, कारोबार की लाइन से ले लो, कुछ भी ले लो, सब फन्नास हो रहा पूरा। तो इस हमारे गए हैं राहुल गांधी जी, और बस क्या, और सबको पता राहुल गांधी जी क्यों गए हैं, जीतने के लिए गए हैं और जीत कर ही आएंगे। तो आपको क्या लगता है राजस्थान में कितनी सीटें जीत रही? हमारे हिसाब से 26 की 26 आनी चाहिए, बाकी जो राहुल जो आएंगे मेरे सब 20 तो आनी ही चाहिए, राहुल गांधी जी की 20 तो आने, बाकी हम तो उम्मीद यही करेंगे 26 की 26 ही हैं, उम्मीद यह करेंगे हम। राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी को बनना चाहिए पीएम, तो वो दो सीट से क्यों लड़ रहे हैं, वो हमेशा एक सीट से लड़ा करते हैं, तो उनका हिसाब किताब है क्या, ये क्या करते हैं, क्यों लड़ रहे हैं वो जाने, अब राजनीति समझते नहीं इतनी भाई, पीएम तो उनका बनना चाहिए आपकी बात। अच्छा, राजस्थान में कितनी सीटें मिल रही है कांग्रेस को? राजस्थानी कांग्रेस ही जीतेगी सब जगह। तो आपकी यार वो केरल बीच से भी लड़ रहे हैं, अमेठी से भी लड़ रहे हैं, और विपक्ष ने उन पे आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अमेठी हार रहे हैं इसलिए वो डर के मारे भाग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसके बारे? ये सब जो है ये सब गलत राय है, जो भी ये कुछ अपना दिमाग लगा रहे हैं ये सब कुछ गलत है। और बड़ी बात ये रही है, आप घर में कितने व्यक्ति हैं आप ये बताइए, आप घर में कितने व्यक्ति हैं? आप अपने आपके खाते में 15 लाख आए नहीं आए, पहला सवाल हमारा यही रहेगा, क्योंकि कोई इलेक्शन कोई वो नहीं, बस जो हक बात है वही रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम चाहते हैं अमन, और हर जगह इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, गंदा माहौल बनाया जा रहा है, गलत माहौल बनाया जा रहा है, जैसा कि हर जगह मतलब धर्म की बातें करके लोग समझ रहे हैं अपने आप को कि बड़े हम देवता हैं और ये हैं फला हैं। मैं ये पूछ रहा था अमेठी पे, अमेठी वो बात है आपकी बिल्कुल सही है, मगर जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना आपको, भाई राहुल जी की तरफ से तो ऐसा है कि राहुल जी जीतते हुए आए और कुछ कर रहे हैं, अब मोदी जी के 5 साल भी देख लिए, तो कुछ किसी का भाई कुछ हुआ है क्या, आपका कुछ हुआ है तो बताओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ जयपुर में तो, और जयपुर की जनता इंशाल्लाह तो कांग्रेस को वोट देंगे और सबसे आगे आके देंगे वोट, और फिर जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी जीतेगा वो तो अपनी मर्जी आए जिसको जिता दे। और रही बात ये कि जो भी राजनीति जो राजनीति वाले लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है। तो मैं राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहा था आपको, वो वहाँ से 2 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी, वो जीतेंगे हारेंगे उसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? वो आए इसलिए क्योंकि हम जीतेंगे जीतेगा राहुल गांधी जीतेगा दोनों तीनों सीटों सबसे वही जीतेगा। और राजस्थान में कितनी सीटें आने वाली है कांग्रेस? 25।